ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣೆ. ಯೋ ಯೋ ಒತ್ಕೊರಲು ಚೋರ ಅಕ್ಕದೇನ್ ಅವರಿ ಬೀವಿ ಕುಚು ಹಾಕಲ್ಲ ಯಾಜಿ ಯಾಕೆ ಕುಚ್ ನೀ ಹುವ ಫಿರ್ ಕಿಸ್ಕೋ ಹುವ ಜೈಸೆ ಮುರ್ಗಿ ಸೆ ಪಹಲೆ ಅಂಡಾ ಹೈ ಅಪ್ನಾ ಪಾಲನ್ ಹಾರ್ ಮುಷ್ಟಂಡಾ ಹೈ ಆ ಲೋಗೋ ಕಾ ಲೂಟ್ನೆ ಕಾ ತೋ ಸಬ್ಕಾ ಧಂದಾ ಹೈ पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर. दूसरों की शादी में नाच नाच के थक गया, लेकिन लेकिन मेरी शादी नहीं होती. कोई कमी है मुझ में, इतना अच्छा देखता हूँ, इतना अच्छा नाचता हूँ, लेकिन तब भी मेरी शादी नहीं होती. आज मैं अपना दर्द ना कविता में सुनाने वाला हूँ. सुनिए. पमोल से होती है बर्बादी इस दा, लेकिन मेरी नहीं होती है शादी इस दा. वेल, दूसरों की शादी में नाच नाच के थक गया हूँ, अपनी जिंदगी से पक गया हूँ. सर जी, मैं नहीं बन पाया किसी कावर, इसलिए मेरी माँ ने रखा था कल स्वयंवर. खाना खा के सबने मार ली टका, इसलिए कल स्वयंवर में आए थे एक से एक बढ़ के पगले कलाकार. माहौल में एकदम एक सपना सा था गया जब रंजीत अपनी लड़की को लेकर आ गया. मेरी माँ को देख के कहने लगा, ब्यूटी ब्यूटी मेरी माँ ये, और जैसे ही डांटा मुंह से निकल गया बेटी. चलो सुना ली, तुमसे शादी तो नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे लिए गाना तो गा सकता हूँ ना. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. ओह गॉड, प्रणीत नहीं, मुझे तो प्रणीत के साथ ही करनी है शादी. गोल्डी को फोन लगा जल्दी से. अच्छा एक बात बता, सच्ची सच्ची बता दे, आपको सचमुच में सोनाली से प्यार है? हाँ सचमुच. क्यों नहीं कहे बेटा, अगर तुझे सच्ची में सोनाली से प्यार है तो उसके लिए गाना गाते, तुझे देखा तो ये जाना सनम. अच्छा मम्मी सुनो, वो कितने अच्छा मम्मी की बात मानता है. यम जी नमस्कार, भैंस कहाँ आपका? यम जी नहीं लग रहे वो, रावण. हाँ रावण के सींग कहाँ से आ गए? ये अलग टाइप का रावण है. अच्छा. इनकम्प्लीट. हाँ मतलब वो ठीक है, 10 मुंडी सींग में आके समा गए. चलो आप ही बताओ, ऐसा भी कोई रावण होता है? अरे एक बार मम्मी ने जाके पेरेंट टीचर मीटिंग में बोल दिया, क्या ये आप तो मेरे बेटे को किसी नाटक में नहीं लेते, कितना अच्छा एक्टिंग करता है वो. जिससे मैं कह दे दिया मुझे टीचर ने रोल रावण का, और कोई रोल बचा ही नहीं था ना. इतना मासूम सा चेहरा लेकर सीता माँ को किडनैप करने के लिए जाऊंगा ना, तो वो मुझे एक लॉलीपॉप देगी और बोलेगी, बेटा अच्छे बच्चे जंगल में नहीं घूमते, शेर आ सकता है, कोई उठा के भी लेके जा सकता है, चलो घर जाओ गुड बॉय. हनुमान, हनुमान की पूछ को आग लगाने जाऊंगा ना, वो भी बोल देगा, बेटा जरा दूर से माचिस जलाओ नहीं तो हाथ चल सकता है. मैंने सोचा अगर मैं रावण लवर खुश के साथ पंचे खेलेगा तो राक्षस कम्युनिटी नाराज हो जाएगी ना. मैं तो बोलता हूँ मुझे एक अच्छा सा रोल दे दो, और ये चिंटू मिंटू लोगों को हटा के बड़े बड़े लोगों को लाओ. मेरे पापा को ही रावण का रोल दे दो, वैसे भी मेरी मम्मी उनको वही बोलती है ना, डेविल. जब से मैंने होश संभाला है तब से देख रही हूँ कि अपने पैरों पर खड़े होने से पहले हाथ में रिमोट पकड़ा है मैंने. आज मैं जो भी हूँ वो माँ की वजह से, मिनी माँ नहीं सिनेमा.
मम्मी कहती है कि मुझसे बात करना ही बेकार है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ डायलॉग्स मार देती हूँ। मैंने उससे कहा कुछ तो डायलॉग कहेंगे, डायलॉगों का काम है कहना कहना कहना। परेशान हो गई वो, ये मेरी गलती नहीं है, सिनेमा नाम की जो चिड़िया है ना वो मेरे सर पर बैठी। मैं उसे बॉलीवुड सॉरी 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 बॉलीवुड अरे उड़ना लेकिन उड़ती नहीं। मैं ड्रामा खाती हूँ, मैं ड्रामा जीती हूँ, मैं ड्रामा सोती हूँ, मैं ड्रामा हंसती हूँ, ऐसा मम्मी हमेशा कहती है। आजकल मैंने सीधे सीधे बात करना शुरू किया है और डायलॉग्स पे किया है काबू। दो थप्पड़ की कीमत तुम क्या समझोगे रमेश बाबू। सरकारी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल के बच्चे टिप टॉप और सरकारी स्कूल के बच्चे थके हुए। ऐसा मैं नहीं, मेरे पापा मम्मी कहते हैं। मैं तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हूँ, लाखों रुपए पापा की जेब से ढील कराता हूँ, फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ। एक बात कहूँ, किसी से मत बताना, हमारे स्कूल में टीचर बड़ी सुंदर है, एकदम सोनाली बन जाती है, एक दो की तो शादी भी नहीं हुई। और सरकारी स्कूल के मास्टर मानो पड़ोस की दुकान का मोटा लाला। हाँ, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़कर मेरे काम वाली भाई का लड़का हमेशा फर्स्ट आता है, फीस कुल 50 रुपए। हाँ, और वो पढ़ाई में मेहनत भी खूब करता है और यहाँ मेरे घर में मेरे पापा मम्मी मेहनत करता है। पापा रात भर बैठकर स्कूल का फॉर्म लाते हैं, लाखों रुपए डोनेशन देते हैं, फिर भी फेल हो जाता हूँ। मम्मी जूस और बादाम खिलाती है, सारा जूस और बादाम मेरे शोर करने में पच जाता है, ये। हाँ, लेकिन मेरी काम वाली भाई अपने लड़के को सूखी रोटी खिलाती है, वो फिर भी फर्स्ट आता है और अब वो बड़ा हो गया है, इंजीनियर बन गया है, वो भी सरकारी स्कूल और सस्ते स्कूल में पढ़कर। और मैं आज भी अपने पिताजी की जेब ढीली करा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरी एक प्रगति जरूर हुई है, मेरी दो चार गर्लफ्रेंड बन गई है। इसलिए भैया, किसी ने सच कहा है, इंसान मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, किसी सरकारी स्कूल और अंग्रेजी स्कूल से नहीं। स्कूल स्कूल स्कूल। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।